ट्रैवलिंग के बाद हम अभी पहुंच गए वोशिनी मोसो रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे मेगा मॉल। जस्ट हम टैक्सी से उतर गए मेगा के पार्किंग स्लॉट में। जैसे हम स्टेशन से बाहर आए थे वापस पूरा रेनफॉल हो रहा था, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते एक्चुअली वेदर कैसा होने वाला है थोड़ी देर बाद, क्योंकि टेम्परेचर कुछ अभी 0 ± ये रेंज में खेल रहा है, तो इसलिए थोड़ा मतलब बारिश और स्नोफॉल का चांसेस 50-50 हो रहा है। तो अभी हम पहुंच गए मेगा मॉल। तो गाइज, आप लोगों ने पहली वाली जर्नी तो देखी होगी वीडियो के अंदर, तो मैं और मेरे दो फ्रेंड्स और उसके साथ और एक फ्रेंड है वो इंडिया जा रही है एक्चुअली, तो हम तीन जन एज द रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है इंडिया से आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने जाना है शर्मतो एयरपोर्ट पे, मॉस्को एयरपोर्ट पे। तो अभी हम मेगा मॉल में हैं, और सुबह 9:30 के ट्रेन से हम लोग निकले थे निजनी नोगरोड से, तो यहाँ पे 4 घंटे में हम आ भी गए यहाँ पे। यहाँ की रशियन रेलवे जो है ना बहुत अच्छी है एक्चुअली, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं। एंड मैं बताऊँगा कि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है निजनी नोगरोड और मॉस्को में, तो 4 घंटे में हम लोग पहुँच भी गए। तो मतलब ये मॉल हम लोगों ने चूज़ किया क्योंकि एयरपोर्ट से बहुत ही नज़दीक है ये मॉल, और यहाँ से मतलब अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा स्नैक्स और पानी वगैरह भी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आएंगे मतलब उनको भूख तो लगेगी, तो वही सब सामान लेने के लिए हम लोग मेगा मॉल में आए। और हम लोगों को भी खाना था क्योंकि सुबह से ट्रेन वगैरह होने के बाद सीधा टैक्सी, तो यहाँ पर हम लोग अभी खाएँगे वगैरह और सीधा सामान ले कर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं खाने वगैरह कुछ तो खाएंगे, और मैं आपको मेरे फ्रेंड से भी मिलवाना चाहूँगा। तो अभी एक्चुअली वो लोग फूड कोर्ट में गए और मैं भी जाता हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो हैप्पी जर्नी। तो गाइस, अभी जिसको हमने बाय बोला वो गायत्री है और थर्ड स्टूडेंट है वो, बिकॉज ऑफ सम रीज़न तो अभी इंडिया जा रही है। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं अपने फ्रेंड्स को मिलाना चाहूँगा जिनके साथ मैं आया था यहाँ पे, तो ये ऋतिका ताहिगुंडे, ये पुणे से, और ये जो है ये आदित्य आदमान है, ये लातूर से। तो हम तीनों एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए, तो इसके बाद हम जाएंगे उनको रिसीव करने, शायद उनका टाइम हुआ है। हाँ, तो अभी फ्लाइट वगैरह लैंड हो गई है और सब स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं शायद, तो हम जाएंगे उधर जहाँ से वो एंटर करेंगे, तो उनका रिएक्शन वगैरह देखेंगे। तो हम ट्राई करते थोड़ा उनका रिएक्शन वगैरह कैच करने का। कुछ लोग आ गए। चलो चलो, बाय बाय, चलो देखते वहाँ पे। गाइस, अभी हम हमारे जूनियर से जो अभी अराइव हुए उनको क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा। तो ये है हमारे जूनियर, टेल अबाउट योर सेल्फ। मैं अनुष्का नवले हूँ, नागपुर से आई हूँ, डॉक्टर सुहास मानिक हूँ, एंड अभी मेरा फर्स्ट डे है, अभी मैं लैंड हुई हूँ थोड़ी देर पहले, और हमारे सीनियर्स हमको रिसीव किए, और मतलब अच्छा लग रहा है। अभी जैसे ही मैं बाहर देखी स्नो, एक अलग ही एक्साइटमेंट आई है, मतलब ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, और बहुत मतलब और 6 साल मुझको यहाँ निकालने हैं, तो
ऑल द वेरी बेस्ट टू मी एंड मतलब सब अच्छा है एंड आई नो आवर सीनियर्स विल गाइड अस दैट्स नॉट द प्रॉब्लम इट्स गुड द फीलिंग इज गुड थैंक यू वेरी मच अपना अपना लगेज वगैरह बस में भर रहे उसके बाद सब बैठ जाएंगे और वहाँ से हम लोग अभी निजनी नगढ़ के इधर निकलेंगे तो अभी फ़िलहाल तो सुबह के 3 बज गए अभी तुम देख ही सकते हो मैं पूरा नींद में हूँ क्योंकि बस में बहुत अच्छी नींद हो गई और वॉशरूम वगैरह के लिए रुका है बस और इधर से सीधा हम जाएंगे 3 घंटे में पहुँच जाएंगे निजनी नगढ़ और सुबह के 7 बजे तक हमें जाना है वहाँ पे क्योंकि हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर है वो 7 बजे ओपन होता है तो वहाँ से उसके बाद सब लोगों को अंदर लिया जाएगा और फिर एक दिन के लिए वहाँ पे रुकाया जाएगा उन सभी जूनियर्स को तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे यूनिवर्सिटी में और ये क्वारंटाइन सेंटर है तो इनको हम पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट टाइम तो आपको कैसा रहा बहुत ठंडी है यहाँ पे पहली बार हमने स्नो देखा है अच्छा एक्सपीरियंस है सीनियर्स ने हमें बहुत कोऑपरेट किया यहाँ तक लाया है थैंक यू हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे सीनियर ने बहुत हेल्प किया हमें और हम यहाँ पर सेफली पहुँच गए हैं अब यहाँ हमारे थैंक यू वेरी मच बहुत ही बढ़िया था एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया ट्रैवल था बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच तो अभी हम लोगों ने अपने जूनियर्स को उनको क्वारंटाइन सेंटर छोड़ दिया है और वहाँ पे उनका मतलब रूम वगैरह मिल गया है और वहाँ से टेस्ट वगैरह हो जाएगा और उनको हॉस्टल में खुद का बेड रूम मिल जाएगा और वैसे हमारा काम होता है ख़त्म आज का तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने अपने हॉस्टल पे अपना ब्लॉग होता है ख़त्म और तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर वगैरह भी कर दो और गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई हमारा बहुत मेहनत कर रहा है प्लीज़ कर दो एक बार चलो थैंक यू वेरी मच चलो बाय 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 बाय